अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उमर अनवर और सलमान बेटा, अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट, ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? जरा बताएं मुझे पहले, आवाज क्लियर है? और ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन? ओके, गुड। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मोल्स के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया था। अभी मैंने ये किया है कि जो आपका गूगल क्लासरूम है, उसमें मैंने मोल्स के नाम से एक
फाइल अपलोड कर दी है, इसमें पास पेपर्स हैं आपके, ठीक है। तो हमारे पास सलमान, मारिया और उमर इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तीनों आप लोग गूगल क्लासरूम पे भी हैं, ठीक है। देखें, जब आप गूगल क्लासरूम में मोल्स का टॉपिक खोलेंगे तो ये मोल्स के पास पेपर्स और नोट्स हैं मेरे पास, तो ये यहाँ पर अलग से खोल लेता हूँ मैं अपने पास इन्हें, ताकि आपको नजर आए ये जी, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो पास पेपर्स में सिलेबस लगा हुआ है, और कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एक इंट्रोडक्शन क्लास में, कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास पढ़ना है बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्केल, ठीक है। अच्छा ये बताएं थोड़ा सा, मारिया और सलमान कोई भी माइक अनम्यूट करके बताएं, आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था या बिल्कुल स्टार्ट हुआ नहीं अभी कोई भी टॉपिक? लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था बेटा हमने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने लास्ट क्लास देर से ज्वाइन की थी बिकॉज माय पावर्स वाज अप, माय लाइट चली गई थी, सो दैट्स व्हाई। चलिए हम स्क्रैच से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। हमने नहीं पढ़ा था कुछ भी। अच्छा ठीक है, सही। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था दूसरे बैच के साथ, इसलिए पूछा था। तो हमारा जो पहला चैप्टर है सिलेबस के अंदर, दैट इज मोल्स, ठीक है। और मोल्स के अंदर जो पहला टॉपिक है 1.1, ये आपका सिलेबस लगा हुआ है। हर टॉपिक के अंदर मैंने सिलेबस साथ में अलग से करके लगा दिया, ताकि बच्चे सिलेबस भी देखते रहें उस टॉपिक का। उसमें यू हैव टू डिफाइन द टर्म्स रिलेटिव एटॉमिक, आइसोटोपिक, मॉलिकुलर एंड फॉर्मूला मास बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्केल। देन 1.2 तो बहुत आसान है कि मोल्स क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, और फिर 1.3 आपके लिए नया है, डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस एआर, जिसमें आपने एनालाइज करना सीखना है मास स्पेक्ट्रा को इन टर्म्स ऑफ आइसोटोपिक अबंडेंसेस। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट द वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। पार्ट बी है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिवन द रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स और इट्स मास स्पेक्ट्रम। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1.3 तक हम इंशाल्लाह आज कवर कर लें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो ध्यान देखें, सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोल्स जो हैं, ये मैं 1.2 को पहले डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि 1.2 डेफिनेशंस हैं। मोल्स जो हैं, दैट इट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट टू मेजर अमाउंट या क्वांटिटी, ठीक है जी। मारिया बेटा माइक अनम्यूट करें जरा अपना। यस सर। ये बताएं कि जब आप बाजार से सामान खरीदती हैं तो गोश्त किस यूनिट में खरीदती हैं, कोई भी मीट जब खरीदती हैं? ग्राम्स या किलोग्राम में, ठीक है। ऑयल किस यूनिट में आता है? लीटर, क्योंकि वो लिक्विड है, उसका वॉल्यूम होता है, राइट। तो ये तो दो यूनिट्स हो गए। फिर कपड़ा किस यूनिट में खरीदती हैं आप? अगर आप अनस्टिच कपड़े के थान आते हैं जैसे कि जी, किस यूनिट में आता है कपड़ा? पता नहीं सर, गज मीटर करते हैं अपने घर में टेबल की कुर्सियां खरीदनी है, ठीक है, या आपके घर में कोई तकरीब है और आपने बहुत सारी कुर्सियां चाहिए, आपको किस यूनिट में मंगवाएंगी कुर्सियां?
सर क्या बोलेंगे डेकोरेशन वाले को, कुर्सियां चाहिए आपको, कैसे ऑर्डर देंगे? लाइक हमें इतनी पर अकॉर्डिंग इतनी स्पेस है तो इतनी कुर्सियां चाहिए। यानी कि आप एक क्वांटिटी मंगा रही हैं ना? या यूनिट बोलेंगे उसके साथ कुछ, इतने किलो कुर्सियां दे दो, इतने इतने लीटर कुर्सियां, ऐसे तो नहीं होगा ना? नहीं, दैट मींस कुछ चीजें क्वांटिटी से बाय की जाती हैं, ठीक है, पर क्वांटिटी का भी यूनिट है। हम बोलते नहीं अक्सर जगहों पे, जैसे आपके घर में शादी है या कोई तकरीब है, आपने बोल दिया 10 कुर्सियां ला देना यार, 20 कुर्सियां ला देना, ठीक है? यस, एक्चुअली क्वांटिटी मंगाने का यूनिट है। एंड जिस तरह आपने अभी मास की बात की, यहाँ देखें जरा स्क्रीन पे, अगर आपको बहुत कम मास खरीदना है, जैसे कि डेली लाइफ में सबसे कम मास जो आप कभी यूज करते हैं ना, वो मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम आपने मेडिसिन में यूज किया होगा, दवाइयां जो होती है ना मिलीग्राम में होती हैं। जैसे आपने एक पेनाडोल खाई, उसमें पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम है लिखा होता है ना, 500 mg। ग्राम आप यूज करते हैं जब आप बहुत ही ऐसे स्पाइसेस यूज करते हैं खानों में जो कि बहुत ही कम डलते हैं, जैसे कि इलायची जो है, इलायची का भी आप मार्केट से खरीदे ना तो ग्राम्स में खरीदते हैं लोग, बहुत महंगी भी है और बहुत कम डलती है, 2-4 पीसेस डलते हैं। इसी तरीके से जर्दे का रंग है या जाफरान है, ये बहुत कम डलता है। बट उसी तरह खाने पीने में किलोग्राम में, जैसे आपने खुद ने बताया कि मीट है या राइस है, ये सारी चीजें किलोग्राम्स में डलती हैं। पर एक यूनिट में अभी और लिख रहा हूँ, ये आप घरों में यूज नहीं करते, जो किलोग्राम के बाद आता है टन्स। घर में टन्स में क्या यूज होता है? अभी बकरीद पे किसी के अगर कुर्बानी का जानवर आया हो तो उसके अलावा टन्स में क्या यूज होता है घर में? नॉर्मल डेली लाइफ में कुछ नहीं यूज होता। तो ये चला जाता है थोड़ा सा, टन्स किस लेवल पे चला जाता है? इंडस्ट्रियल। ये डोमेस्टिकली यूज नहीं होता, एग्री? इसी तरीके से वॉल्यूम के यूनिट्स हैं अलग अलग। लीटर्स घर में यूज होता है, ठीक है, लीटर से छोटा यूनिट भी घरों में यूज होता है, ठीक है, पर क्वांटिटी के भी कुछ यूनिट हैं। घरों में यूज होने वाला छोटा यूनिट क्वांटिटी का कहलाता है दर्जन। दर्जन कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 12। ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपकी डेली नीड्स पूरी हो जाती हैं इससे। मैं आपको समझाता जी, बताएं दर्जन में क्या क्या बाय करते हैं आप? हाँ भाई, बताओ बेटा क्या क्या खरीदा है दर्जन में आज तक? एग्स। अच्छा, अब आपकी फैमिली कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? जी मारिया जी सर, 5। तो मतलब अगर आप एक दर्जन अंडे खरीदती होंगी मार्केट से, ठीक है, तो आपके 2 दिन की नीड हो जाती होगी कम से कम, ठीक है? यस। तो बस यही आपकी कंजम्पशन होती होगी। आधा दर्जन लाती होंगी तो रोज जाके बाय करना पड़ेंगे क्योंकि एक दिन में खत्म हो जाएंगे। एक दर्जन बाय करेंगी तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे 5 फैमिली मेंबर्स के। इससे ज्यादा 2 दर्जन भी आप नहीं लेकर आती हो, 2 दर्जन लाना एक्सेस है, ठीक है? तो बाहर मुल्क में लोग खरीद लेते हैं पूरे पूरे हफ्ते के एक्स, ताकि बार बार मार्केट ना जाना पड़े। पर 12 एक ऐसा नंबर है जिससे आपकी नीड पूरी हो रही है फैमिली की, ठीक है? इसी तरीके से एक्स के अलावा बनानास जो है वो दर्जन में आते हैं, वो भी आप इसी हिसाब से एक दर्जन खरीदते हैं तो फैमिली यूज कर लेती है। 5 लोग हैं, 2 बनाना किसी ने खा लिया तो खत्म हो गए एक वक्त में। तो ये नंबर आपकी डेली नीड को पूरा कर रहा है 12, इसलिए हम दर्जन बात करते हैं। असूलन आपको जो कुर्सियां मंगाना चाहिए, आपको उसको बोलना चाहिए 10 दर्जन कुर्सियां ला दो तो आपको 120 कुर्सियां ला देगा, या 5 दर्जन कुर्सियां ला दो तो आपको 60 चेयर्स ला देगा वो, या आपको सिर्फ छोटी क्वांटिटी चाहिए तो आपसे बोले यार 1 दर्जन कुर्सियां दे दो तो 12 कुर्सियां दे देगा वो आपको। अगर हमें ऑड नंबर सा चाहिए होता है, 13 या 14 नंबर कुर्सियां चाहिए होती हैं, तो हम दर्जन नहीं लाइफ। बट जिस तरह मास वॉल्यूम के अलग अलग यूनिट्स हैं जब चीजें बढ़ती हैं, तो जब आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है ना, अगर आपको
हंड्रेड्स में भी क्वांटिटी चाहिए होगी ना, आप दर्जन का मल्टीपल बोल देंगे. फर्स्ट आपको 120 की क्वांटिटी चाहिए, आप उसके लिए नया यूनिट इन्वेंट नहीं करेंगे, आप उसके लिए कहेंगे 10 dozen. 10 dozen is 120, ठीक है, ये कह देंगे ना. बट वेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं दैट बिलोंग्स टू एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वो क्वांटिटी बहुत बड़ी है, ठीक है. अच्छा, वो क्यों बड़ी है? क्योंकि हल्के से भी थोड़े से मास में भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. तो केमिस्ट्री के लिए हमने एक नया यूनिट बनाया है फॉर केमिस्ट्री. ये डेली लाइफ में यूज नहीं होता, ये स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री है, क्योंकि वहां मेजर कर रहे होते हैं क्वांटिटी ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, और ये बहुत बड़ी तादाद में होते हैं छोटे छोटे मासेस में. तो हमें एक नया यूनिट बनाना पड़ा दर्जन की तरह का, सिमिलर टू दर्जन, दैट इज कॉल्ड मोल्स. तो जिस तरह जिंदगी में आप दर्जन यूज करते हैं ना, केमिस्ट जिंदगी में मोल उसी तरह यूज करते हैं, सेम एक ही बात है. तो दर्जन जैसे एक नंबर होता है, मोल भी एक नंबर के बराबर है. तो मोल किस क्वांटिटी को, किस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट 6.02 इनटू कांस्टेंट, ठीक है. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मोल का, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता मोल को, कि मोल दर्जन की तरह का एक नंबर है. दर्जन डेली लाइफ में यूज होता है, मोल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में यूज होता है. डेली लाइफ में इसका कोई काम नहीं है. आप दुकान पे जाके बोले मुझे एक मोल अंडे दे दो, तो वो आपको इतने सारे अंडे कैसे देगा? ना आपकी नीड है ना उसकी, दुनिया में इतने अंडे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. प्रैक्टिकली ये काम कैसे होगा? जी सलमान भाई, जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा. जी सर. पढ़ करें, आप एक दुकान पे गए और आपने उससे बोला कि यार एक दर्जन केले चाहिए, ठीक है. आपके हिसाब से वो कितना टाइम लेता है आपको ये देने में, ट्रांजेक्शन करने में? उसके बाद एक बड़ा सा बंच है, उसमें बहुत सारे केले हैं, उसने 12 केले काउंट करके काट के, छुरी से काट के ना 12 केले थैली में डाल के आपको दे रहा है, कितना टाइम लगता होगा उसको? मुश्किल से 10 सेकंड. हाँ, चले एक काम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं कि 1 banana काउंट करने में उसको 1 सेकंड लगता है. तो 12 सेकंड में वो आपको दे देगा. अच्छा, अपनी जिंदगी के 12 सेकंड किसी को देना मैटर नहीं करते. अब बिजनेस तो करना है ना, इतना टाइम तो देना पड़ेगा. लोग तो 14-15 घंटे दुकान पे वैसे ही खड़े होते हैं. आप भी गए, अपने भी अपनी जिंदगी के 14 सेकंड इन्वेस्ट किया, आप वो चीज लेकर आ गए. टाइम ना दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है. अब इस बात को समझिएगा. अब याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक बनाना जो है वो कितनी देर में कैलकुलेट हो रहा है? 1 सेकंड में. 1 सेकंड. जब आपने जाके बोला 1 dozen बनाना, तो आपके कितने सेकंड लग जाएंगे? 12 सेकंड. 12 सेकंड वेस्ट हो. पर अगर आपने जाके दुकान पे बोल दिया मुझे 1 mole बनाना चाहिए, तो उसको आपको 6.02 × 10 = 23 banana देना पड़ेंगे, जो कैलकुलेट करने में उसको इतने ही सेकंड लगेंगे. सही बात. इन सेकंड्स को अगर आप एयर्स में कन्वर्ट करें ना, इन सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करें? इयर्स. इयर्स में ये पता है क्या नंबर है? ये नंबर है ये, ठीक है. तो जब आप इतने सेकंड्स को एयर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो 17,923.5 एयर्स बनते हैं. कितने साल लगेंगे ये काम करने में? तो दैट मीन्स ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, सही है. और केमिस्ट को ये काम सेकंड्स में करना है, इतना बड़ा नंबर काउंट करना है उन्होंने. दे वॉन्ट टू डू इट इन सेकंड्स and they want to do it accurately, okay? Yeah. And for that they use the same method which the bankers use. Aur wo method ye hai, bank ke andar jab bahut sare coins jama ho jate hain na, bahut large quantity of coins, large number of coins, wahan pe bhi ye masla aata hai. करें, मैं आपसे बोलूं यार ये बहुत सारे कॉइन्स हैं, काउंट करो कितने रुपए हैं, और आपको एक कॉइन काउंट करने में 1 मिनट 1 सेकंड लगता है,
सही इतना टाइम तो लगेगा ना एक कॉइन काउंट करने में, एक सेकंड। जी जी ठीक है, अगर मिलियंस रुपीस के कॉइन्स हैं तो आपको मिलियन सेकंड लग जाएंगे, मिलियन सेकंड्स घंटों होते हैं, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है आप 5-6 घंटे लगाकर अपना टास्क कंप्लीट करें और आगे ले जाके किसी को दें तो वो बोले यार रिकाउंट करके बताओ क्या यही नंबर है कि नहीं है, तो फिर आपकी तो खारी हो जाएगी। ठीक है, तो 2-3 दफा तो भूल भी जाएंगे बीच में। जी, तो यू नीड अ एफिशिएंट मेथड एंड फॉर दैट व्हाट वी डू इज कि हम सिंपल काम ही करते हैं। फर्स्ट करें सारे कॉइन्स सिमिलर हैं, 1 रुपए के कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है, ठीक है, सारे 1 रुपी के कॉइन है। आप क्या करेंगे, फौरन से उस कॉइन का वजन कर लेंगे। 1 कॉइन का वजन किया, फर्ज करें वो आया 1 ग्राम, ऐसी बात कर रहा हूँ, 1 कॉइन इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये बात समझ में आ गई। yes. अब आपने रेंडमली बहुत सारे कॉइन्स उठाए जल्दी से और उसको वेइंग मशीन पे डाल दिए और मास आ रहा है 792568 ग्राम्स, तो कितने रुपए 7,925,068, ये इतने ही रुपए हैं, ये इतने ही रुपीज भी हैं। अच्छा, ये काम करने में आपको कितना टाइम लगा के वहां से उठा के अपने मास यहाँ लिखा रखा और नंबर लिख लिया? हार्डली 2 सेकंड, 10 सेकंड कर लें चले, और वरना आप ये यूं काउंट करते तो इतने आपको सेकंड लग जाने थे। सही, ये नंबर काउंट करने में इतने ही सेकंड लग जाते प्रोवाइडेड आप एक कॉइन 1 सेकंड में काउंट करते, और वही काम आपने 10 सेकंड में कर लिया और अब ये एक्यूरेट भी है, और कोई आपको रिपीट करने बोलेगा तो आप रिपीट कर भी देंगे, कोई खुद बाद में भी क्रॉस चेक करना चाहेगा तो वो भी बाद में क्रॉस चेक कर सकता है और वो भी एक्यूरेसी रहेगी। सबको लॉजिक समझ में आई बेटा इस प्रोसेस की? yes. हम एटम्स के साथ भी यही करेंगे। अगर आप दुकान पे जाते हैं और किसी को बोलते हैं कि मुझे 1 मोल सोडियम एटम चाहिए, यू नीड 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तो आपको 6.02×10^23 सोडियम एटम्स चाहिए, इसका मतलब है। अब दुकान वाला इतना बड़ा नंबर काउंट करके आपको नहीं देगा फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, एटम नजर नहीं आते अंडे और केलों की तरह के, उठा के गिन लेगा उनको कॉइंस की तरह। दूसरी रीजन ये कि अगर वो नजर आ भी रहे होते कॉइंस की तरह तो इतना बड़ा नंबर कोई नहीं गिनता, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वी जस्ट डिस्कस दैट। तो इसके लिए वो क्या तरीका निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट या रिलेटिव आइसोटोपिक मास का कॉन्सेप्ट। पहले मैं रिलेटिव एटॉमिक मास से स्टार्ट करूंगा फिर आइसोटोपिक मास पे बाद में जाऊंगा। जरा यहाँ देखिएगा जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी हैं जी, उमर भाई जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। उमर भाई आप हमारे साथ हैं? जी सर। अभी तक समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। उमर भाई ये बताएं कि हमारा अभी टास्क है कि हमें 1 मोल सोडियम एटम चाहिए, ठीक है जी। तो कितने सोडियम एटम चाहिए आपको, तादाद में, क्वांटिटी में? 1 मोल 6.02×10^23 ये एटम्स आपको इतने सारे गिन कर नहीं मिल सकते क्योंकि इतना बड़ा नंबर गिनना पॉसिबल नहीं है, सही है जी सर। तो बैंक वालों ने तो बड़ा आसान काम किया था ना, बैंक वालों ने तो नोट कॉइन्स को काउंट ही नहीं किया था, उन्होंने तो फौरन से 1 कॉइन का वजन कर लिया और उन्हें पता चल गया कि 1 कॉइन का वजन 1 ग्राम है। उन्होंने फिर जितने भी कॉइन्स पड़े थे उन सबका वजन कर लिया, उन्हें पता चल गया टोटल ग्राम कितने, उन्हें पता चल गया वो रुपीस कितने। अगर बैंक में, फर्ज करो मेरे सवाल को सुनना गौर से उमर भाई, अगर बैंक में वो ये काम नहीं करता कि वो 1 कॉइन का वजन नहीं करता, डायरेक्ट टोटल वजन कर लेता, तो क्या वो पता कर सकता था कि वो कितने रुपए थे? नहीं, क्योंकि उसको पहले पता होना चाहिए कि 1 कॉइन का वजन कितना है, वरना तो लॉजिकली आंसर नहीं आ सकता, राइट? जी सर। इसी तरीके से हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये पहले पता हो कि 1 मोल, 1 मोल जब भी हमें किसी एटम का चाहिए हो, 1 मोल किसका,
किसी भी एटम का, तो वो कैसे हासिल किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मास? उसका जवाब है रिलेटिव एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, वो उस एटम के एक मोल का मास होता है एक्चुअली। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है? इस बात को मैं जरा थोड़ा जोर और से समझाता हूँ आपको। मैं जरा पीरियोडिक टेबल खोल रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ए लेवल्स का पीरियड टेबल है, तो थोड़ा सा इसके मासेस डिफरेंट है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा इसमें नजर आएगा कीड़ा। जी उमर भाई, ये नजर आ रहा है आपको? पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि इसमें ना मासेस नीचे दिए हैं। यूजुअली आपके ओ लेवल के पीरियड टेबल में मास ऊपर होता था ना? जी सर। इसमें प्रोटॉन्स ऊपर लिखे हुए, मास नीचे लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, की लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है? अब ये बताओ जरा इसको, बेरिलियम को बताओ, बेरिलियम का मास कितना है? 9.0। 9.0 आगे यूनिट लिखा हुआ है कुछ? नहीं सर, यूनिट नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ एवोगैड्रो क्या कह रहा है। एवोगैड्रो ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा दुकान पे जाए और दुकान पे जाके बोले मुझे 1 मोल बेरिलियम दे दो, ठीक है? आप वो दुकान वाले, उसने बोला 1 मोल बेरिलियम चाहिए, ठीक है? आप क्या करेंगे, आप पीरियड टेबल में जाएंगे या बेरिलियम देखेंगे? पीरियड टेबल में बेरिलियम का मास लिखा हुआ 9.0, आप उसको 9.0 ग्राम्स दे देंगे। बस ये करना है आपने, ये अंडरस्टूड है? यानी कि ये लॉजिक ये है कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू ए आर इन ग्राम्स। ए आर किसे कहते हैं? इस मास को ए आर कहते हैं। दिस मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, इज कॉल्ड ए आर। जब ए आर को इन ग्राम्स कह देते हैं तो वो 1 मोल का मास हो जाता है, पर मोल मास हो जाता है, ये फिक्स्ड है। तो जैसे वो बंदा दुकान पे गया था और उसने रिक्वायर किया था 1 मोल सोडियम, तो आपको क्या करना चाहिए? 1 मोल सोडियम का सर, एक सेकंड, आपको पीरियड टेबल में जाना चाहिए। जी टेंशन नहीं ले, पीरियड टेबल में जाएंगे, पीरियड में जाके सोडियम देखेंगे। ये रहा, क्या मास है सोडियम का? सोडियम का 23.0। तो आप उसको कितने ग्राम दे देंगे? 23 ग्राम्स दे देंगे। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम्स। अभी अंडरस्टूड है कि उसके अंदर कितने एटम होंगे सोडियम के? 6.02 × 10³। और अगर वो आपसे बोले कि यार मुझे तो शक है कि इसमें इतने एटम्स नहीं है, आप उसको सिंपल जवाब दे सकते हैं कि भाई काउंट कर लो। जी सर। तो खुद ही चुप हो जाएगा वो। ठीक है जी सर। ये कैलकुलेशन है कि एक, ये जो मासेज हैं इन्होंने लिखे इस हिसाब से, कैलकुलेट करके पहले से लिखे हुए हैं कि 1 मोल के मासेज लिख कर दे दिए आपको स्टैंडर्ड, ठीक है? ताकि लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पीरियड टेबल में जो मासेज लिखे हुए हैं दैट इज फॉर 1 मोल। अब अगर आपको 10 मोल चाहिए तो उस मास को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें एंड सो ऑन, ठीक है? जी मारिया, समझ में आई आपको बात? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोपिक मास के ऊपर। रिलेटिव एटॉमिक मास तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है। कुछ मासेज अगर आप देखें ना पीरियड टेबल के अंदर, यहाँ पे एक सेकेंड, तो वो फ्रैक्शन में। जी मारी अपना माइक जरा ऑन रखिएगा। ये मास देखें मैग्नीशियम का, कितना है मैग्नीशियम का मास? 24.3। कैल्शियम 40.1, 39.1, पोटेशियम, लिथियम 6.9, कुछ होल नंबर मासेज हैं हमारे पास, जैसे ये स्कैंडियम 45, बेरिलियम 9, ये 23। तो कुछ मासेज होल नंबर हैं, कुछ मासेज जो हैं वो फ्रैक्शन हैं। इनमें फर्क ये है कि जो मास होल नंबर होगा ना वो एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास। और जो फ्रैक्शन होगा ना वो होगा आइसोटोपिक मास। ये क्यों है फर्क, जरा इसको समझिए। ये क्या केमिस्ट्री है, एटॉमिक मास और आइसोटोपिक मास का फर्क क्या है?
एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, और आइसोटोपिक मास जो होता है वो हमेशा एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। रेयर केसेस में ये फ्रैक्शन नहीं भी होता, जहां पर आपके एवरेज इत्तेफाक से होल नंबर बन रही हो, बट यूजुअली ये फ्रैक्शन होता है। अब ये इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे केमिस्ट्री ये है कि दुनिया में जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, सबके नहीं करते। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोनो आइसोटोपिक होते हैं, मोनो आइसोटोपिक। मोनो आइसोटोपिक का मतलब है कि उसके दुनिया में सारे एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास सोडियम की है, सोडियम के दुनिया में सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है मास के हिसाब से। यहाँ पे आपने ओ लेवल में एग्जाम्पल पढ़ी होगी आइसोटोप्स की, क्लोरीन की। आपको याद है कि क्लोरीन के आइसोटोप्स कौन कौन से पढ़े थे आपने? जी मारिया, क्लोरीन के आइसोटोप्स याद है आपने कौन कौन से पढ़े थे? सर एक 35.5 तो फ्रैक्शन है उसका मास, एवरेज वो तो फ्रैक्शन मास है 35.5। जी किसी को याद है क्लोरीन के आइसोटोप्स कौन से पड़े थे? जी सर एक 37 था और एक 35 था। बिल्कुल सही कहा आपने, एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलता है कि क्लोरीन के ये दो आइसोटोप होते हैं और सोडियम का नहीं होता, सोडियम का सिर्फ 23 होता है। हाउ डू वी नो दिस? इसके लिए एक टेक्निक है नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है। उस मशीन की आपकी बुक में डायग्राम भी है, मैं आपको वो मशीन दिखा देता हूँ। आप वैसे तो यूट्यूब पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं कि वो काम कैसे करती है। ऐसे ये बुक्स भी मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दी हैं, ठीक है, दोनों की सॉफ्ट कॉपी। ये वो बुक है, ये वो मशीन है, ये देखें जो उस मशीन की एक्चुअल पिक्चर है। ये मशीन आपको बताती है कि किसी एलिमेंट के अंदर एक ही तरह का एटम है या उसके अंदर दो अलग तरह के एटम्स हैं, उनके मासेस क्या क्या हैं। जरा ये देखते हैं कि मशीन काम कैसे करती है। एक सेकंड, ये एडजस्ट नहीं हो रहा मुझसे। ये डायग्राम एडजस्ट हो गए। अच्छी नजर आ रहा है आप सबको, राइट? ये मशीन की डायग्राम है अंदर की ना, एक ब्लॉक डायग्राम है। जी सलमान भाई, अभी आपने बताया था ना क्लोरीन के दो मासेज होते हैं 35 और 37। नो सर। अच्छा किसने बताया था? अवेश भाई बता रहे थे। ये अखलास भाई ने ज्वाइन कर लिया हमें, आपने बताया था? सर मैंने बताया था। उमर भाई अब जरा आप कंटिन्यू करें, यहाँ से यहाँ देखें। आपने बताया क्लोरीन के दो एटम्स होते हैं, एक का मास 35 होता है, एक का मास 37 होता है, और मैंने ये बताया कि सोडियम का सिर्फ एक ही तरह का एटम होता है, सही है। फर्ज करें कि हमें ये बातें नहीं पता, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी ये नॉलेज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती कि क्लोरीन के दो तरह के एटम होते हैं और सोडियम का सिर्फ एक तरह का एटम होता है। तो ये नॉलेज ये मशीन कैसे क्रिएट करके देती है साइंटिस्ट को, अब 100% ये अटेंटिव रह के देखिएगा। पहले मैं सोडियम से बात करता हूँ। फर्स्ट करें आप, सोडियम को पहले क्या करना पड़ेगा, ये पढ़े क्या लिखा हुआ, क्या करना पड़ेगा आपको उसको? सोडियम के एटम्स को गैसियस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। जैसे सोडियम का एटम यहां पर आएगा तो यहां पर क्या हो रहा है, ये पढ़ें,
ये क्या हो रहा है बेटा? आयनाइजेशन, यहाँ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स मेट करेगा फिर जी, ये इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा जिससे क्या होगा, सोडियम का जो आखिरी शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है एटम के, सोडियम एटम के, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो ये फिलामेंट निकाल रहा है, ये फिलामेंट में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे क्योंकि हाई एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये फोर्स करेंगे सोडियम को कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम का आयन बन जाए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये बात समझ में आई? तो सोडियम एटम से सोडियम का आयन बन जाएगा, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। ये आयनाइजेशन हो गई, एटम से आयन आया था, एटम अंदर आके आयन बन गया और वो भी पॉजिटिव आयन बनता है हमेशा। ये समझ में आया बेटा? यहाँ तक सब साथ है? अच्छा जरा कलर चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक ब्लैक इलेक्ट्रोड बने हुए कैसे हैं, इन पे कैसे चार्ज है? जी पढ़े बेटा कैसे चार्ज है इन पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैटायंस को क्या करेंगे, पॉजिटिव रॉड्स कैटायन को क्या करेंगी, पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे आगे, जिसकी वजह से ये आगे चले जाएंगे। आगे क्या है? जी क्या है आगे? बताइए। फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? वो डायरेक्शन बदलते हैं। डायरेक्शन बदल। अब यहाँ पे आपके पास कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हैं? एक ही टाइप के? सोडियम में एक ही टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं ना? ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो आयन्स हैं सबके सब एक ही साथ घूमेंगे, किसी की कोई डायरेक्शन नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है चार्ज पे। इन सब पे चार्ज कैसा है? प्लस वन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है मास पे, इन सब का मास सेम है। इस वजह से ये एक ही लाइन बनेगी और रिकॉर्डर आपको बताएगा, रिकॉर्डर आपको बताएगा कि एक लाइन बनेगी 100% पे, कि 100% सिर्फ 23, क्योंकि मास अगेंस्ट परसेंटेज होता है, इसको मास स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये जो रिजल्ट है इससे आपको पता चलेगा कि ये सब्सटेंस क्या है, मोनो आइसोटोपिक है, इसके सारे आइटम्स का मास 23 है, 100% 23। ये बात सबको समझ में आई बेटा? यहाँ पे इस मशीन ने हमें कैसे बताया कि ये एलिमेंट मोनो आइसोटोपिक है? बेटा जरा इस पे रिस्पॉन्स करें तो मैं आगे बढ़ूं। जी बताएं, क्लियर है? जी सर। अच्छा अब दूसरी एग्जांपल हम किस एलिमेंट की पढ़ रहे थे भाई? जी मारिया आप बताएं जरा, किसकी पढ़ रहे थे हम दूसरी एग्जांपल? क्लोरीन। अब जरा यहाँ देखें, मिटा रहा हूँ मैं, ये सोडियम मिटा दिया हमने, अब ये सोडियम हट गया। अब हमारे पास आ गया क्लोरीन, कलर में पिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लोरीन के आपको नहीं पता कि दो तरह के एटम है, एक का मास 35 है, छुपी हुई बात आपसे अभी पता नहीं है आपको, और एक का मास 37 है। पर चाहे क्लोरीन 35 हो चाहे क्लोरीन 37 हो, इन सब के वैलेंस शेल में होते तो सात ही इलेक्ट्रॉन है, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन का फर्क तो नहीं होता ना बेटा। होगा यही कि ये एटम से दोबारा से क्या बन जाएगा, कैटाइन क्लोरीन का। अब आप शायद अगर यहाँ सोच रही है कि क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है, सर ने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया है, यहाँ कोई आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करना है, मशीन में आपने डाला है। आप दुनिया का कोई भी एटम डालें ना, इसमें नोबल गैस भी डाल दें तो नोबल गैस भी पॉजिटिव आयन बन जाती है इसमें। ये मशीन है, ये कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कौन गेन करेगा। ठीक है मारिया? यस। अब आपके पास दो आयन बन गए, एक क्लोरीन 35 का आयन है
और एक क्लोरीन 37 का आयन है. अब इन दोनों में किस चीज का फर्क है? प्रोटॉन्स का है, मास का बेटा. अच्छा, एक हैवी एक लाइटर. अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड में कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और कौन कम डिफ्लेक्ट करेगा? लाइट वाला. लाइट वाला क्या होगा? कम डिफ्लेक्ट करेगा, राइट? जी. तो क्लोरीन 35 वाले यहाँ जमा हो जाएंगे, 35 वाले. 35 वाले यहाँ जमा हो जाएंगे, 37 वाले कम डिफ्लेक्ट होंगे. बेटा आप उल्टा बोल रही हैं, मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ उल्टा. 37 वाले हैवी पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट करते हैं और लाइट पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं. 35 वाले इधर जमा हो जाएंगे, यानी कि डिफरेंस इन मास की वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट. मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट हो जाएंगे. रिकॉर्डर इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्डर आपको बताएगा. क्या बताएगा? एक को आपको बताएगा कि एक मास मेरे पास 35 आ रहा है और एक मास मेरे पास 37 आ रहा है. ये पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्या नहीं है, मोनो आइसोटोपिक नहीं है, आइसोटोपिक है. दूसरी चीज वो आपको ये गिनकर बताएगा कि जो 37 वाले हैं ये कितने थे और 35 वाले कितने थे. अब परसेंटेज भी बताएगा. हमेशा इनकी परसेंटेज सेम आती है, 35 वालों की परसेंटेज आती है 75% और 37 वालों की परसेंटेज आती है 25%. ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी. अगर आप कोई और सैंपल डालेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा. तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप होते हैं, उनकी एक अबंडेंस भी होती है. अबंडेंस मतलब जो उनका परसेंटेज रेशियो है, ये वाला दुनिया में 75% होता है और ये वाला दुनिया में 25% होता है. यहाँ से हमें इनकी अबंडेंस पता चली, यहाँ से हमें इनके आइसोटोप्स पता चले. अब हम इनका निकालते हैं आइसोटोपिक मास, जो पीरियड टेबल में आपको नजर आ रहा है. वो कैसे निकलता है? आइसोटोपिक मास निकालने के लिए आप मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं. 35 × 75 प्लस 37 × 25 टोटल डिवाइडेड बाय 100. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो आंसर आएगा 35.5. ये वो मास है जो आपने यहाँ लिखा हुआ है पीरियड टेबल में. ये बात समझ में आई कि ये फ्रैक्शन में क्यों है मास? Yes. So the difference between atomic mass and an isotopic mass is atomic mass whole number में होता है और वो mono isotopic elements का होता है, जिन्हें जब हम mass spectrometer machine में डालते हैं तो उनका सिर्फ एक ही mass number आता है और उसकी percentage 100% होती है. जब इन elements को जिनको isotopic machine में डाला जाता है तो फिर इनका मास स्पेक्ट्रा जो है वो हमें मासेस, दो अलग मासेस बताता है. जैसे एक 35 बताया, एक 37 बताया, और फिर इनके अलग अलग परसेंटेजेस भी बताता है. 35 की 75% बताता है, इसकी 25% बताता है. फिर इसे यूज करके हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं तो उससे हमें जो एवरेज आइसोटोपिक मास मिलता है दैट वी पुट इन द पीरियोडिक टेबल. दिस इज व्हाट वी पुट इन द पीरियोडिक टेबल. ये बात समझ में आई? अब जरा कुछ आइसोटोपिक मासेस आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं. मैं यहाँ पर पास पेपर्स पे जा रहा हूँ जी. ये वाला कैलकुलेट करें जरा, निकालें कैलकुलेटर और सॉल्व करें. कितना बना ये आइसोटोपिक मास? मैग्नीशियम है ये.
जी बेटा क्या आंसर आया? आंसर निकाला है बेटा? चैट में लिख दें बेटा जो आंसर आ रहा है आप लोगों का। आई थिंक 24.3 आ रहा है बेटा आंसर, 24.06 तो नहीं आ रहा। बाकी कोई क्रॉस चेक करे जरा इस बात को, आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, आपको इस नंबर को मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 24 × 79 प्लस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 25 × 10 प्लस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 26 × 11 और टोटल को डिवाइड बाय 100 करना है। आई थिंक 24.3 आना चाहिए, बट निकाल के देखें, हो सकता है मेरा गलत हो, आंसर आप लोगों का सही हो। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बताएं जरा। जी उमर भाई क्या आंसर आया आपका? सर मैं भी कर रहा हूँ, वो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। करें बताएं। ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री सही है, बिल्कुल यही आंसर है। मारिया अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा यही आंसर आएगा 24.3। ठीक है चलें, यहां तक क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट सबको आप लोगों को? मंडे है आपकी शायद क्लास, तो उस दिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलें, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।